अरबों के चालान लेकिन नतीजा सिफर। मुल्तान में 70% ड्राइवर गैर तरबियत याफ्ता निकले। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुश्किल या शहरियों की गफलत। शहर में 12 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां, लाइसेंस सिर्फ 3 लाख ड्राइवर के पास मौजूद। 9 लाख ड्राइवर बगैर लाइसेंस गाड़ियां दौड़ाने में मुल्तान में इंतजामों की गफलत या बेहिसी। शहर भर का गंदा, नहरों में जाने वाला पानी। नोबहार नहर के नवाही इलाकों में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त। शहरी सीवरेज ज्यादा पानी से तैयार, सब्जियां खाने पर मजबूर। काश्तकारों का साल हर साल से उगने वाली सब्जियों को जहरीले पानी से काश्त करने का ऐतराज। क्या करें सर, बिजली बहुत महंगी है, ट्यूबवेल के खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मजबूरी के तो तहत लगा रहे हैं हम ये, और कोई हल नहीं हमारे पास। डायरेक्टर वर्क्स बादशाह शहजाद मुनीर का कहना है कि सदरन साइट पर वेस्ट वाटर के लिए 40 किलोमीटर के साथ 40 अरब का मंसूबा जल्द शुरू कर रहे हैं। कोशिश है कि सवरेज का गंदा पानी नहरों और खेतों में ना जाए। टाइफाइड का जरासीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर भी नहीं मरता। डॉक्टर्स का शहरियों को सब्जियों और फ्रूट गर्म पानी से धोकर खाने का मशवरा। रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर से बेकाबू। शहर में 5 और दही इलाकों में 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। उधर कोटछुट्टा में ठट्टा फीडर से 10 से 12 घंटों की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग। एक्सियन एसडीओ मैको के मोबाइल नंबर्स बंद, दफ्तरों से भी गायब। शहरी बेहाल, हुकाम से नोटिस का मुतालबा। अहमदपुर शर्के में महकमा इनहार की गफलत या लापरवाही। 1947 के अहम रिकॉर्ड को रद्दी में बेच दिया गया। अबियाना जमाबंदी, वारबंदी और सालीम के जायदाद के कागजात 10 रुपए किलो में फरोख्त। पटवारी अब्दुल रशीद ने अहमियती कागजात को फजूल करार दे दिया। कहा 1947 के कागजात को रद्द के दफ्तर में क्या करना है। कोरोना वैक्सीनेशन नहीं तो तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में तिब्बी सहूलियात की फराहमी कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत। अस्पताल में दाखिल होने वाले अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर फाल करने बारे इकदाम तेज। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बिल्डिंग का इंतखाब कर लिया गया। आरजी सेक्रेटेरिएट चुंगी नंबर 9 और मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट मतीतेल में कायम किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने आरजी सेक्रेटेरिएट कायम करने की खत्म मंजूरी दे दी। चुंगी नंबर 9 पर जेर तामीर बिल्डिंग का काम मुकम्मल करने के लिए एमडीए को 2 माह की डेडलाइन। शहर औलिया में बच्चों को साफ पानी की फराहमी होगी मुमकिन। सरकारी स्कूल्स में मौजूद वाटर पंप्स के टेस्ट जारी। मुल्तान के 110 स्कूल्स के टेस्ट मुकम्मल। 12 स्कूल्स में मुहैया किया जाने वाला पानी अनफिट करार। 98 स्कूल्स के वाटर टेस्ट दर्ज पाए गए। महकमा एजुकेशन ने मुतासर स्कूल्स में डोमेस्टिक वाटर प्लांट लगाने का फैसला कर लिया। लापरवाही या अदम दिलचस्पी, 80 लाख रुपए पर भी मियांवाली के अवाम को सहूलियात मुयसर ना कर सके। इफ्तिताह के 3 माह गुजर जाने के बावजूद टीएचक्यू अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर गैर फाल। वजीर जंगलात सप्तान खान ने ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया था। एमएस अल्ताफ काजरी ने मामला फंड्स की अदम दस्तियाबी पर डाल दिया। बोले 3 माह से फंड नहीं मिले थे, अब मिल गए हैं, जल्द फाल कर दिया जाएगा। मुल्तान की म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी में इल्म का खजाना तबाह हो गया। कदीम लाइब्रेरी खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। सैकड़ों किताबें दीमक और धूल मिट्टी की नजर। फर्नीचर और अलमारियां टूट फूट का शिकार। लाइब्रेरी के बाहर पुरानी किताबों के ढेर। तारीखी, इस्लामी, साइंस और मुख्तलिफ मजामीन की किताबें जाया हो गई। वजीर अला उस्मान बजदार से सूबाई वजीर जंगलात सप्तान खान की मुलाकात। महकमा जंगलात की कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर अला का कहना है कि महकमा जंगलात की 14,000 एकड़ अराजी वागुजार कराए। इस जमीन को शजरकारी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। रवा साल 12 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली की रिहाड़ी पुलिस लाइन में मुनाकदा इजलास में गुफ्तगू। बोली सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। जलूसों के रास्तों की सफाई और मुरम्मत की हिदायत कर दी। मेंबरान जिले अम कमेटी ने भी अम बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान में सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक के भाई हाजी अता मोहम्मद का इंतकाल। इजहार ताजियत के लिए लोगों का डेरे पर आमद का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल, कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद, स्पेशल असिस्टेंट वजीर आला जावेद अख्तर अंसारी, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ख्वाजा उमैर की जान से इजहार ताजियत। दिजुखान में काश्तकारों को डीएपी खाद पर सब्सिडी देने का फैसला। डायरेक्टर जरा तौसी महर आबेद हुसैन का कहना है कि महकमा जरा से रजिस्टर काश्तकारों को एक बैग पर 1000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में 60,000 काश्तकार रजिस्टर्ड और 13 डीलर्स को रजिस्टर्ड किया गया। मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की जानब से यूनिवर्सिटी वेटनरी अस्पताल का अफ्तताह वाइस चांसलर जरई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली ने अफ्तताह किया। बोले बहुत जल्द मुल्तान ताजालपुर पीर वाला मोबाइल अस्पताल की सहूलत का आगाज किया जाएगा। रहीम जा खान ने शजरकारी में खवातीन भी एक कदम आगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वुमेन गार्डन बना दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर और डिप्टी चांसलर श्री पीटीआई जनूबी पंजाब निघत महमूद ने पौधा लगाया। कहा पौधे लगाने से लेकर इसकी देखभाल खवातीन ही करेंगी। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हन या ले जाएंगे रूही की निशानदही और दुल्हे की दुआएं। बिलाखिर दुल्हन मान गई। 24 घंटे बाद रुखसती। दुल्हे मियां और अहले खाना खुशी से निहाल। दुल्हन को लेकर रवाना। गुज़श्ता रोज़ बारात पहुंचने पर दुल्हन ने 3 कटी उंगलियों वाले दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया था। और उम्र 80 साल, वर्जिश मामूल। बूढ़ा मलिक मुमताज तंदुरुस्त तवाना। शुजाबाद के 80 साल मलिक मुमताज के करतब ने देखने वालों को हैरान कर दिया। दिन भर घंटों वर्जिश, गजा सादा, कराटे उल्टा लटकना, स्विमिंग देखकर लोग महसूस हुए कोई आए और करे मुझसे मुकाबला। बूढ़े मलिक मुमताज ने नौजवानों को चैलेंज कर दिया।